आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए एक तरफ तो सरकार ने लगाई थी कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक, वहीं दूसरी तरफ भलसवा लैंडफिल साइट पर चल रही बड़ी बड़ी मशीनें फैला रही हैं प्रदूषण। भलसवा लैंडफिल साइट के आसपास रहने वाले लोग आम दिनों में भी प्रदूषण से रहते हैं परेशान, लेकिन बड़ी बड़ी मशीनों से किया जा रहा है भलसवा लैंडफिल साइट पर काम, इलाके में फैल रहे हैं प्रदूषण। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए सभी चिंतित हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए ही लंबे समय तक कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगा दी थी। कुछ शर्तों के साथ कंस्ट्रक्शन काम पर लगी हुई रोक को हटा तो जरूर दिया गया, लेकिन अभी भी प्रदूषण पूरी तरीके से दिल्ली में कम नहीं हुआ है और सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं जिससे प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। साथ ही NGT ने भी प्रदूषण कम करने के लिए कई नियम बनाए, लेकिन बावजूद इसके उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां भलसवा लैंडफिल साइट पर बड़ी बड़ी मशीनों से काम किया जा रहा है। आप खुद ही देखेंगे कितनी बड़ी मशीन है भरत का लैंडफिल साइट पर चल रही है। न सिर्फ लैंडफिल साइट के नीचे बल्कि ऊपरी सतह पर भी बड़ी बड़ी मशीनों से काम किया जा रहा है जिससे काफी धुआं निकलता है। साथ ही साथ इन मशीनों के चलने से पूरे इलाके में धूल भी फैलती है जो प्रदूषण का मुख्य कारण बन रही है। आसपास के 5 किलोमीटर के इलाके में इन मशीनों और काम की वजह से धूल खेल रही है। इस पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अस्थायी समिति सदस्य और निगम पार्षद अजय शर्मा ने भी सवाल उठाए और उनका कहना है कि नगर निगम दिल्ली सरकार के प्रयासों पर पानी फेर रही है, अगर काम हो भी रहा है तो लगातार उस जगह पर पानी का छिड़काव होना चाहिए जिससे पूरे इलाके में धूल ना फैले और प्रदूषण का स्तर भी ना बने, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? मैं नरेश कुमार। नरेश, भलसवा लैंडफिल की बात करें तो लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, वहाँ कई ऐसी हमें कोई बीमारी हो रही है, क्या कहना चाहते हैं सर? भलसवा लैंडफिल हमारे बाईपास पर है जो आज काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप धारण कर चुका है, क्योंकि दिल्ली में जगह नहीं है। आसपास के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है उससे, आए दिन उसमें आग लग जाती है, जब देखो धुआं उठता रहता है, और थोड़ा सा कहीं बारिश वगैरह हो जाती है तो लैंडफिल जो स्लाइड होके नीचे गिरती हैं, लोग जान जाने खतरा भी होता है। इसके अलावा वहाँ पे इसकी वजह से लोग बहुत बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, कुपोषण फैल रहा है और जो उनका हेल्थ का रेट है बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। तो दिल्ली सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसका कोई विकल्प निकाले, क्योंकि ये समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। और अब ये जो जहांगीरपुरी उससे करीब 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक भी उसकी बदबू आती है, उसका पोल्यूशन आता है, आए दिन हमें सफाई वफाई करनी पड़ती है और हमारे जो बच्चे हैं फैमिली है उसका प्रकोप कहीं ना कहीं फैलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आम जनता पर पहाड़ी भरता है, बल्कि दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार इस मामले पर ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। देखो, सभी तरफ से मैं नहीं कह सकता कि क्या हो रहा है, ग्राउंड में क्या नहीं हो रहा है। सर, लैंडफिल पर सर हमेशा पोल्यूशन की लगातार बढ़ते जा रहा है, दिल्ली सरकार रोक लगाने के बाद भी कार्य चालू है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, MCD हमेशा पोल्यूशन बढ़ाने का काम करती रही है, जैसे कि दिल्ली सरकार जगह जगह प्रयास कर रही है पोल्यूशन रोकने के लिए। एक तरफा भलसवा लैंडफिल के ऊपर बड़ी बड़ी मशीनें चलती है और जिसके अंदर छिड़काव करके काम नहीं करा जाता, जैसे गाड़ियाँ जाती है धूल उड़ती है तो इनकी जिम्मेदारी ये बनती है वो गाड़ियाँ जहाँ पर जाए या JCB काम करें तो पानी का छिड़काव होना चाहिए जिसके कारण वो धूल ना उड़े। मैं यही कहना चाहूँगा कि आसपास के क्षेत्र के अंदर जो 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है और इससे लोगों को दमे की बीमारी भी हो रही है और बहुत सारी बीमारियाँ हो रही है इस भलसवा लैंडफिल के कारण। लैंडफिल पर कई ऐसे अनेक तरह के बीमारी भी होती है, ताकि वहाँ के बात किया जाए तो प्रशासन के या कोई भी अधिकारी इस मामले पर संज्ञान नहीं ले पा रहे। देखिए, भलसवा लैंडफिल पे दुनिया भर का पैसा खर्च करा जा रहा है, दिल्ली सरकार भी MCD को बहुत पैसा दे रही है, उसके बाद भी भलसवा लैंडफिल कम नहीं हो रहा, इसकी चौड़ाई बढ़ा दी गई है। कई दफ़ा मैंने स्टैंडिंग कमेटी में इस बात को उठाया है और बहुत सारे अधिकारी दावा करते हैं कि उसे कम करा गया, पर उसे कम नहीं करा गया। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का जहाँ भी कारण है वो BJP शासित MCD है, वो जगह जगह कूड़े के अंदर आग लगा देते हैं, आग लगाने के कारण भी प्रदूषण होता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूँगी इजाज़त, नमस्कार।